उत्तरम यथा समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम तदम भारत नाम भारती नाम संतति। इस संस्कृत श्लोक का शाब्दिक अर्थ यह है कि उत्तर में हिमालय से घिरा हुआ एवं दक्षिण में समुद्र से जिसके चरण धोता हो उस धरती को हम भारत कहते हैं। यह बहुत ही आसान है, लेकिन इसकी असली जो महत्व है वह यह है कि वह यह कहता है कि इसमें बसने वाले सभी लोग भारतीय हैं। हम महोदय जब यहाँ पर बात करते हैं कि समान नागरिक संहिता की, तो यहाँ पर मुझे नहीं पता कि इसे हिंदू मुस्लिम एक मामला बनाकर क्यों रख दिया गया है। अगर समान नागरिक संहिता इस देश में आती है तो आपको अपनी पूजा पद्धति से कोई हटाने का प्रयास नहीं कर रहा है। यहाँ पर केवल बात ये की जा रही है कि आप अगर इस देश को आज़ाद कराकर लाए, स्वतंत्रता संग्राम में इतनी आहुतियाँ दी गई तो किस लिए दी गई थी? कि हम सब भारतीय होकर जिए या पहले की तरह ही कोई मुस्लिम निज़ाम, कोई हिंदू राजा शिवाजी, हम इस तरह से जिएंगे? हम एक भारतीय के रूप में जिएंगे और यही हमारा कानून होना चाहिए, यह हमारे राष्ट्र निर्माताओं की संकल्पना थी। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात रखी जा रही है कि इससे हमारी बहु सांस्कृतिक राष्ट्र जो है वह खंड खंड हो जाएगा। तो महोदय मैं यहाँ पर यह पूछना चाहता हूँ कि जब आदिकाल से लेकर इस भारत को एक सूत्र में पिरोने का जो कार्यक्रम था वह चाणक्य के समय में चला, वह समुद्रगुप्त के रूप में आया, वह अकबर के समय चला, तो क्या उस समय इस देश की जब एक ही शासन व्यवस्था थी, हर नागरिक को एक ही तरीके से तोला जाता था, तो क्या इस देश की सांस्कृतिक विरासत खंड खंड हो गई? नहीं महोदय, इस देश की सांस्कृतिक विरासत बसती है हम सबके इस एहसास में कि हम भारतीय हैं। और उस भारतीय होने के एहसास को आप हमसे कैसे छीन लेते हैं? हमें यह दिखाकर कि एक हिंदू अलग तरीके से सरकार उसके साथ पेश आती है, वह मुस्लिम के साथ अलग तरीके से पेश आती है। अब इसमें भले ही उस मुस्लिम की गलती ना हो, लेकिन हिंदू के मन में यह बात आ जाएगी कि इसके प्रति तुष्टीकरण हो रहा है और इस प्रकार हमारे समाज, हमारा देश जो है वह अहित की ओर बढ़ता है। यह देश महोदय दो विधान, दो निशान और दो प्रधान इस सिद्धांत पर नहीं चल सकता। यह देश सुरक्षित तभी रहेगा जब इसमें एक कानून आएगा। इसी नारे को आगर लाकर महोदय द्विराष्ट्र का सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना भारत में लाए कि हम भारतीयों में हिंदू और मुस्लिम कभी एक थे ही नहीं, हम हमेशा से अलग अलग थे, इसलिए वे पाकिस्तान मांगकर ले गए। कल को कोई एक और देश मांगकर यहाँ से ले जा लेगा महोदय, तब आप क्या करेंगे? और यहाँ पर देश हित की बात कोई नहीं कर रहा, इससे देश हित क्या होगा महोदय? देश हित यहाँ पर सर्वप्रथम आपका यह है कि जो ये रूढ़िवादी शक्तियाँ हैं महोदय, आदिकाल से लेकर आज तक इन्होंने धर्म का नाम खराब किया है। धर्म खराब नहीं था, धर्म का नाम खराब किया गया। जब एक कानून आ जाएगा तो आप बार बार किसी पे धर्म के नाम पर जाकर वोट नहीं मांग पाएंगे। आप एक कानून जब इस देश में आ जाएगा तब आप लोगों को बरगला नहीं सकते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा कानून ले आऊँगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ दूसरा कानून ले आऊँगा। और दूसरी बात, हमें यहाँ पर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर देखना चाहिए महोदय। हमारे पास पुरातन काल से इसके उदाहरण है कि राम ने भी अपनी प्रजा के केवल शक मात्र पर, उन्होंने यह माना कि प्रजा के लिए और राजा के लिए कोई अलग कानून नहीं होना चाहिए, और उन्होंने सीता माता का परित्याग कर दिया। यहाँ पर दूसरी बात मैं ये रखना चाहूँगा महोदय, जो कोई नहीं सोच रहा, ये VIP कल्चर जो इस देश में पैदा हो रखा है, इससे उस पर भी चोट पड़ेगी। क्योंकि जब सब नागरिक एक समान होंगे तो कोई VIP नहीं होगा, कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, कोई अपनी कार में आकर तुरंत काम कराकर नहीं चला जाएगा और कोई उस लंबी लाइन में खड़ा रहने को मजबूर नहीं होगा। यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे एक बात कही जाती है कि इससे क्या हो जाएगा, एक विचारधारा सब पर थोप दी जाएगी। ये एक लोकतंत्र है, कोई तानाशाही तो है नहीं, सब पार्टियों के मेल जोल से विचार रखे जाएंगे और हर धर्म की अच्छी चीज़ें ली जाएंगी। जैसे पारसी धर्म में यह उनका एक कानून है कि वह बच्चों को जो गर्भ में ही मार दिया जाता है, उनके यहाँ एक तरीके से यह गलत काम है, आप उस चीज़ को वहाँ से उठाइए।
मुस्लिम धर्म में आप तीन तलाक पर हमला तो कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छी चीज ये भी है कि वहां पर लड़की की सहमति विवाह में ली जाती है, आप उसको उठा कर लीजिए। अकबर भी इसी दीने इलाही को लाया था और उसने हर धर्म की अच्छी अच्छी चीजें लाई और अपने राष्ट्र, अपने जो राज्य था उसमें स्थापित करने की कोशिश करी। तो आप अगर इसे सकारात्मक दृष्टि से देखने की कोशिश करेंगे महोदय, तो शुरुआत में दिक्कतें आती हैं, लेकिन एक बार जब ये भारतीय होने का एहसास आपके अंदर आ जाएगा तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि आप इस राष्ट्र में निवास भी करना चाहते हैं और आप पहले ये कहना चाहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। नहीं, आप सब भारतीय हैं। आप सब भारतीय इसलिए हैं क्योंकि आप उन अंग्रेजों से इसीलिए लड़े थे कि आप भारतीय रह सकें, इसलिए नहीं लड़े थे कि आप आज यहाँ हिंदू मुस्लिम का दंगा फैलाने की कोशिश करें। तो इसीलिए महोदय मैं अंततः यह कहना चाहूंगा कि इस भाषण प्रतियोगिता, इस वाद विवाद प्रतियोगिता का आप नाम ही देखिए, अखिल भारतीय अंतर महाविद्यालय। यह अखिल भारतीय शब्द ही हमको इसमें पिरोता है कि हम भारतीय हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। तो अंततः मैं यह कहना चाहूंगा कि जो महाभारत का एक श्लोक है कि तजेदकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुला तजेत, ग्रामस्य जनपदस्यार्थे आत्मार्थ पृथ्वी तजेत, अर्थात आपको अंततः मानव कल्याण के लिए सब कुछ त्याग देना चाहिए, अपनी हर पहचान त्याग देनी चाहिए और मानव कल्याण हमारे देश का इसी में है कि हम भारतीय हैं। जय हिंद, जय भारत।